How to connect Bluetooth speaker to your phone in 2020 and 2021. ये जो टॉपिक है स्पेशली फॉर मैं बिगिनर्स के लिए कवर कर रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने अपनी लाइफ में ब्लूटूथ स्पीकर को परचेस किया है और वे कम्प्लीटली अवेयर नहीं है कि इस ब्लूटूथ स्पीकर को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये बेसिकली है बोट की तरफ से, इसका नाम है, मॉडल नंबर है बोट स्टोन ग्रेनेट। इसे मैंने परचेस किया है फ्लिपकार्ट से ₹1600 में और ये मुझे विद इन 24 आवर के अंदर अंदर मेरे रेसिडेंस एड्रेस पर डिलीवर्ड हो चुका है। तो अगर आप ऐसे कोई ब्लूटूथ स्पीकर देख रहे हैं जो आपको कम प्राइस में काफ़ी ज़्यादा आउटपुट दे, अच्छा बैटरी बैकअप दे, तो आप इस ब्लूटूथ स्पीकर के लिए जा सकते हैं, बिकॉज काफ़ी अमेजिंग है और इसका जो काफ़ी ट्रेंडिंग है फ्लिपकार्ट पर बेस्ट सेलर के बेसिस पर। तो इसलिए मैं अगर मेरे ओपिनियन के हिसाब से कहूँ तो बजट सेगमेंट ब्लूटूथ स्पीकर है। अगर मैं इसके बैटरी बैकअप की बात करूँ तो इसमें आपको बैटरी बैकअप मिलता है, अगर आप 80% वॉल्यूम का यूज़ करते हैं तो आपको 8 से 9 घंटे का इजीली बैटरी बैकअप मिलता है। अगर आप पूरा 100% इसका ब्लूटूथ यानी कि साउंड यूज रखते हैं तो आपको 5 आवर तक का बैटरी बैकअप ये ईजिली दे सकता है, यानी कि घर में अगर छोटा मोटा पार्टी रखना है तो छोटे मोटे पार्टी के लिए ये ब्लूटूथ स्पीकर कम्प्लीटली अमेजिंग है। तो यहाँ पर मैं इसी ब्लूटूथ स्पीकर को अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करूँगा, यानी कि इसका कनेक्ट करने का प्रोसेस बताऊँगा। और जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ करने वाला हूँ यह है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 7। ये भी अभी जस्ट रिसेंटली ही इंडिया में लॉन्च हुआ है, अभी जस्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ ही हुआ है। अगर आप इसके रिलेटेड टॉपिक देखना चाहते हैं यू कैन चेक इट आउट इन माई वीडियो सेक्शन, दैट आई ऑलरेडी कवर अबाउट दिस फ़ोन। सो यहाँ पर इसे कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ स्पीकर को अपने फ़ोन से, सबसे पहले जो आपका ब्लूटूथ स्पीकर है उसे आपको टर्न ऑन करना है। यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है टर्न ऑन करने के लिए, तो यहाँ पर आपको इसे टर्न ऑन करने के लिए जस्ट 2 सेकंड के लिए इसे प्रेस रखना है और इसके बाद यहाँ पर एक साउंड के साथ में ये ब्लूटूथ स्पीकर ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ब्लू कलर का एक लाइट देखने को मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जाना है, मोबाइल फ़ोन में जो ब्लूटूथ का ऑप्शन है उसे टर्न ऑन कर देना है एज यू कैन सी। तो फर्स्ट टाइम जब आप टर्न ऑन करेंगे तो इसके सेटिंग्स में जाना है, पेयर न्यू डिवाइसेस पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर डिस्कवरेबल ऑन हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपने जो ब्लूटूथ स्पीकर उसका नाम आ जाएगा बोट स्टोन ग्रेनेट। तो कनेक्ट करने के लिए बस आपको इस पर एक बार क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक साउंड के साथ में ये ब्लूटूथ स्पीकर आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे कनेक्ट होगा यहाँ पर आपको एक साउंड आएगा, योर डिवाइस हैज़ बीन कनेक्टेड, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये आपके डिवाइस यानी कि जो फ़ोन है वो ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट हुआ है कि नहीं। यहाँ पर मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगती है इसमें ब्लूटूथ स्पीकर में, कि यहाँ पर अगर आपको बैटरी के बारे में एनालिसिस चाहिए कि आपके इसका बैटरी कितना बचा है, कितना कंज्यूम हुआ है, तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो ब्लूटूथ ऑप्शन है वहाँ पर आपको इसका बैटरी परसेंटेज शो करेगा एज यू कैन सी दैट। तो यहाँ पर अभी जो बैटरी है इसका 80% रिमेनिंग है, यहाँ पर टोटली दिया गया है मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ ऑप्शन में, तो काफ़ी अमेजिंग है। तो बस इसके बाद आपका जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो आपके फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है, इट्स ready to use, you can check it out, you can just play the song in the Bluetooth speaker using your phone। तो बस इसी तरीके से आपके जो Bluetooth speaker है उसको अपने phone से connect करना, अगर आपको इसे disconnect करना है अपने phone से तो जो आपके phone में जो Bluetooth का option है उसे off कर देना है और आपका Bluetooth speaker आपके phone से disconnect हो जाएगा। So this will help you in 2020 and in future as well।